ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। शिवसेना नेता पर हुए जानलेवा हमले के बाद हिंदू संगठनों में भारी रोष पाया जा रहा है और इसी के चलते कस्बा धारीवाला पूरी तरह से बंद रखा गया है। घटना के कारण पूरे इलाके में डर के साथ साथ भारी गुस्सा भी पाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर घटना के बाद से गुरदासपुर पुलिस के हाथ खाली दिखाई दे रहे हैं और इसी के रोष में अलग अलग शिवसेनाओं के बड़े पदाधिकारी भी धारीवाला में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इन नेताओं का कहना है कि पुलिस प्रशासन व सरकार शिव सैनिकों की सुरक्षा करने में पूरी तरह से असफल साबित हुई है और इसलिए अब शिव सैनिक अपने हथियारों के बल पर ही अपनी सुरक्षा करेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए नेताओं ने कहा कि इस घटना की पूरी जिम्मेदारी डीजीपी पंजाब की है और घटना को 17 घंटे से भी ज्यादा समय बीत जाने पर कोई कार्रवाई करना तो दूर की बात है, अभी तक कोई बयान भी सामने नहीं आया है। उन्होंने पंजाब की सरकार को भी कड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी सिख को तंगी पेश आती है तो पंजाब के मुख्यमंत्री उसकी हर संभव सहायता करने में जुट जाते हैं, लेकिन गुरदासपुर के धारीवाला में सरेआम शिवसेना नेता हनी महाजन पर जानलेवा हमला होता है और मुख्यमंत्री साहब के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता, इसे हिंदुओं के साथ नाइंसाफी ना समझे तो क्या समझे। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर सभी हिंदू संगठनों में रोष है और इसका इंसाफ के लिए कदा संघर्ष किया जाए। सेना के नेताओं ने पंजाब सरकार से मांग करते हुए कहा कि हमले में मारे गए युवक के परिवार को एक सरकारी नौकरी व कम से कम 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। 12 घंटे तो बहुत का टाइम हो गया, पुलिस ने की गया। कुछ नहीं किया गया क्योंकि देखो हूँ जी आए भी नहीं तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वास्ते साढ़े एडीजीपी ढोके साहब आए ने, बाकी जो इंटेलीजेंस है जो फेलियर सी तो उन्होंने इतने आके उसका रिव्यू लेना चाहिए, डीजीपी साहब उन्होंने खुद आना चाहिए सी, इतने आके उन्होंने देखना चाहिए सी आके ये सारे घटनाक्रम का कारण की है, बट उन्होंने सिर्फ ये देखा कि हूँ आके माहौल ना खराब हो जाए इसलिए सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर। पंजाब के दस दस फायरिंग हो रही है और लॉ एंड ऑर्डर कानून खत्म हो गया, जेलां टूट रही हैं, गैंगस्टर दंदनांदे घूम रहे हैं और डीजीपी साहब केवल मीटिंग ही मीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने किसी हिंदू लीडर मिलने का पसंद नहीं है। मैं मुख्यमंत्री साहब की भी निंदा करता भी जे एक सिख जख्मी हो जाता है पंजाब तो बाहर वो तुरंत स्टेटमेंट देंगे, तुरंत बयान देंगे, केंद्र सरकार को दखल देने की गल करते हैं, पर उरे गोली चल गई 12 घंटे तो ज़्यादा समय गुजर गया, मुख्यमंत्री की कोई स्टेटमेंट नहीं आई, मुख्यमंत्री का कोई ट्विटर से बयान नहीं आया। क्या पंजाब का 45% जड़ा हिंदू है उदे जख्मा ते मरम लाना मुख्यमंत्री दी ड्यूटी नहीं है। दूसरी ओर हमेशा विवादों को जन्म देने वाले शिवसेना टकसाली के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर सूरी ने मीडिया से बात करते समय कैमरे के सामने सरेआम पिस्तौल लहराते हुए कहा कि पंजाब सरकार और पुलिस हिंदुओं की सुरक्षा पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। सूरी ने कहा कि हिंदुओं ने हथियार दिखावे के लिए नहीं रखे और अब सभी हिंदू हथियारों के बल पर अपनी सुरक्षा यकीनी बनाएंगे। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट।